गाइज वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे स्किन के इश्यूज़ के बारे में। स्किन की प्रॉब्लम सभी को होती है, पुराने एक्ने मार्क्स, पिगमेंटेशन, टैनिंग, और सबको चाहिए हेल्दी लुकिंग, ग्लोइंग, फ्लॉलेस स्किन। फ्लॉलेस स्किन पाने के लिए आपको एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको फ्रीक्वेंटली पार्लर जाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको ऐसे दो DIY फेस मास्क बताने वाली हूँ जो आप घर पे ही खुद बना के यूज़ कर सकते हो। ये फेस मास्क बनाने के लिए आपको कुछ बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है जो हर किसी के किचन में अवेलेबल होता है। तो आइए चलिए देखते हैं ये फेस मास्क है क्या। तो पहले हम लेंगे 2 चम्मच राइस, 1 चम्मच दूध और 1/2 नींबू। राइस को हम मिक्सर ग्राइंडर में पीस के फाइन पाउडर बना लेंगे। उसमें दूध मिक्स करेंगे और नींबू का रस, और ये आपका राइस फेस मास्क रेडी है। राइस में पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड होती है जो सनटैन से बचा सकता है। राइस में विटामिन सी एंड ए होती है जो स्किन को ब्राइट बनाती है और पिगमेंटेशन और स्पॉट्स को कम करता है। राइस में फेरुलिक एसिड होती है जो एक एंटीऑक्सीडेंट है। ये एंटीऑक्सीडेंट एंटी एजिंग है जो फाइन लाइन और रिंकल्स को भी कम करता है। राइस पाउडर बहुत ही स्मूथ नहीं होता, सो ये सबसे अच्छा नेचुरल एक्सफोलिएटर का काम करता है जिससे डेड स्किन्स रिमूव होती है और आपको ब्राइट और स्मूथ ग्लोइंग स्किन मिलती है। राइस पाउडर बहुत स्मूथ नहीं होता है, सो ये सबसे ज़्यादा अच्छा नेचुरल एक्सफोलिएटर का काम करता है जिससे आपकी डेड स्किन्स रिमूव हो जाती है और आपको सॉफ्ट ग्लोइंग स्मूथ स्किन मिलता है। ये मास्क आप फेस पे 20 मिनट्स तक रख सकते हो और नॉर्मल पानी से आप सर्कुलर मोशंस में ये मास्क को निकाल दीजिए। तो मैंने अभी ये राइस फेस पैक निकाल दिया है। स्किन इतना स्मूथ लग रहा है, आपको बिल्कुल ट्राई करना चाहिए ये मास्क। यहाँ पे जो वाइट हेड्स होती हैं, क्लॉग्ड पोर्स होती है, सब कुछ स्मूथ लग रहा है। दूसरे फेस मास्क के लिए हमें लगेगा 1 छोटा स्लाइस पपाया का, 1 चम्मच हनी और 1 चम्मच नींबू का रस। पपाया को मिक्सर ग्राइंडर में पीस के उसका पल्प बना लेंगे और उसमें हनी और नींबू का रस मिक्स करके पेस्ट बना लेंगे। पपाया बेस्ट इंग्रेडिएंट होती है पिगमेंटेशन और ब्रेकआउट को कम करने के लिए। स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टी होती है जो पिगमेंटेशन एंड एक्ने मार्क्स को कम करता है। पपाया में बीटा कैरोटीन एंजाइम होती है जो स्किन को ब्राइटन करता है। इसमें अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड होती है जो एक नेचुरल एक्सफोलिएटर का काम करता है जो डेड स्किन सेल्स को डिजॉल्व करती है और स्किन को लाइट और ब्राइट और सॉफ्ट बनाती है। ये फेस मास्क में लेमन भी है जो नेचुरल वाइटनिंग एजेंट है, और हनी भी है जो स्किन को लाइट और मॉइस्चराइज रखती है। इसको हम फेस पे 20 मिनट्स तक रखेंगे और नॉर्मल पानी से धो लेंगे। तो पाया फेस मास्क के बाद स्किन इतना सॉफ्ट लग रहा है और आपको शायद दिख ही रहा होगा कितना ग्लोइंग दिख रहा है। सो गाइज ये थे 2 DIY फेस मास्क। अगर आपको कोई पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, पुराने एक्ने मार्क्स है और आपको सॉफ्ट स्मूथ ग्लोइंग स्किन चाहिए तो ये 2 फेस मास्क ज़रूर ट्राई कीजिए। अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए ये मास्क आप रोज़ 5 से 7 दिन यूज़ करिए और गारंटी के साथ आपको सॉफ्ट स्मूथ और रेडियंट स्किन ज़रूर मिलेगी। और अगर आपने ये फेस मास्क ट्राई किया है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।